कांग्रेस और सहयोगी पार्टियों की ओर से राष्ट्रव्यापी बंद के आह्वान पर हिमाचल प्रदेश में भी बंद रखा गया। इस बंद का मिलाजुला असर दिखा। भारत बंद में सीपीएम भी शामिल हुई। इस दौरान कांग्रेस और वाम दलों ने चक्का जाम भी किया, जिसके चलते लोगों को थोड़ी परेशानी उठानी पड़ी। पेट्रोल पदार्थों की कीमतों में बढ़ोतरी को लेकर कांग्रेस के राष्ट्रव्यापी बंद पर हिमाचल प्रदेश में भी बंद का आयोजन किया गया, जिसका मिलाजुला असर देखने को मिला। इस दौरान निजी बस ऑपरेटरों ने बंद का पूरी तरह से समर्थन किया, लेकिन परिवहन निगम द्वारा चलाई गई अतिरिक्त बस सेवा के चलते आने जाने वालों को अधिक समस्या नहीं हुई। राजधानी शिमला में सीपीएम और कांग्रेस ने दो अलग अलग जगहों पर चक्का जाम किया। इस दौरान विक्ट्री टनल चौक पर सीपीएम ने शांतिपूर्ण तरीके से चक्का जाम किया। सीपीएम के वरिष्ठ नेता व विधायक राकेश सिंघा ने केंद्र की मोदी सरकार पर बढ़ती महंगाई और पेट्रोलियम पदार्थों की बढ़ती कीमतों पर लगाम लगाने में विफल रहने का आरोप लगाते हुए उन पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार जानबूझकर पेट्रोलियम पदार्थों को जीएसटी के दायरे में नहीं ला रही। आज पूरे देश के अंदर अलग अलग विपक्षी पार्टी का मतलब है जो सत्ता से बाहर है, उनका आह्वान है और कई जगह कोऑर्डिनेटेड है, कई जगह कोऑर्डिनेटेड नहीं। हम सीपीआईएम की तरफ से ये महसूस करते हैं, आज ये जो महंगाई है नंबर वन प्रश्न देश के अंदर बन गया। अगर तो पूरी दुनिया में महंगाई होती तो शायद सीपीआईएम के लोग यहाँ पर नहीं बैठते। ये पूरी दुनिया में महंगाई नहीं है, लेकिन ये मोदी सरकार की ये योजना बंद ये महंगाई है, उनकी पॉलिसी से ये महंगाई आती है। मैं बहुत साधारण शब्दों में इसको समझा सकता हूँ। आप जानते हैं कि आज देश के अंदर जो सेंट्रल एक्साइज टैक्स है सीएसटी जो है वो सारे में लग गया है, और लेकिन पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में लगा नहीं है। ये अगर आप उसको जीएसटी में इसको लाते हैं, जनरल गुड्स टैक्स में इसको क्या कहते लाते हैं, तो पेट्रोल का दाम 48 रुपये प्रति लीटर होना था और डीजल का दाम ये 50 रुपये प्रति लीटर होना था। लेकिन डीजल का दाम कहाँ है, ये 70-72 रुपये लीटर है, और पेट्रोल का दाम कहाँ है, ये आपका 81-82 रुपये प्रति लीटर है। तो ये सारा बोझ जनता पर लादा जा रहा है। क्यों लादा जा रहा है? ये इसलिए लादा जा रहा है, जो सरकार की तिजोरी में पैसा आता है वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट के टैक्स लगाने पर ये 35% जो उसका पूरा जो तिजोरी भरती है 35% इस कर से आती है। इसलिए इसको जिंदा रखना चाहते हैं, और हम महसूस करते हैं कि आपके पास और तरीके हैं टैक्स लगाने के, उन पर लगाइए ना, जो देश को भाग के जा रहे हैं। तुम तो कहते थे कि काला धन ले आएंगे, उसको ले आओ, उसे चलाओ देश को, बड़े पूंजीपति पर टैक्स लगाइए, उसे कर की तिजोरी आप भरे। तो इसीलिए हमारा मतभेद है सरकार की इस नीति से, और इसलिए ये विरोध प्रदर्शन यहाँ पर किया था। उधर कांग्रेस मुख्यालय के समीप लिफ्ट स्थित पुल के पास कांग्रेस कार्यकर्ता पार्टी की प्रदेश प्रभारी रजनी पाटिल और कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में एकत्र हुए और चक्का जाम किया। पार्टी के कार्यकर्ताओं ने महंगाई के खिलाफ केंद्र सरकार के विरुद्ध जमकर नारेबाजी की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला जलाया। इस दौरान पुलिसकर्मियों और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच हल्की धक्का मुक्की भी हुई। मर गया है।
बंद के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं और नेताओं ने पार्टी मुख्यालय से लोअर बाजार होते हुए रैली निकाली और धारा 144 को तोड़ते हुए माल रोड पर भी नारेबाजी करते हुए जुलूस निकाला। पुलिस ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर धारा 144 के उल्लंघन का मामला दर्ज किया है। उधर मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी रजनी पाटिल ने कहा कि आज देश में बढ़ती महंगाई ने हर वर्ग की कमर तोड़कर रख दी है। उन्होंने कहा कि पेट्रोल पदार्थों की कीमतों में बढ़ोतरी से अन्य वस्तुओं के दामों में भी वृद्धि हुई है। रजनी पाटिल ने कहा कि कांग्रेस ने अपनी सहयोगी पार्टियों के साथ मिलकर पूरे देश में जो बंद का आह्वान किया था वो पूरी तरह से सफल रहा। उन्होंने कहा कि कच्चे तेल की कीमतों में कमी के बावजूद पेट्रोल पदार्थों के दाम बढ़ाए गए हैं, जो सरासर गलत है, और कांग्रेस पार्टी कीमतों को घटाने के लिए केंद्र सरकार पर अपना दबाव जारी रखेगी। जिस तरह से महंगाई आसमान छू रही है और पेट्रोल डीजल और गैस रसोई गैस की कीमतें जिस तरह से कमर तोड़ लोगों का कीमतें हो रही है उसकी, तो उसके खिलाफ अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने ऐलान किया है कि हम भारत बंद का आह्वान करेंगे। और जो गरीबों की आवाज़ है, जो जनता की आवाज़ है, जो दुख दुख है, आक्रोश है, वो दर्द है, वो दर्द हम लोगों के सामने पेश करेंगे। और सही मायने में हम सभी को इसका बहुत ही परेशानी हो रही है। आज डीजल और पेट्रोल बढ़ाने से सिर्फ गाड़ियों का प्रॉब्लम नहीं है, ट्रांसपोर्ट का प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसका फिर सब जीवनावश्यक वस्तुएं जो हैं वो महंगी होती जा रही है। इसलिए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने 20 पार्टियों को साथ में लेके, अपने जो सहयोगी पार्टियां हैं उनके साथ में लेके, सभी समविचारी पार्टियों को लेके ये ऐलान किया है। विपक्ष अपना प्रेशर बढ़ाएगी, विपक्ष और साथ में जुड़ जाएगी, जितना ये नहीं मानेंगे उतना हम उनके ऊपर प्रेशर बढ़ाने की कोशिश करेंगे। और आखिरी हथियार हमारे पास ये है कि 2019 में उनको आउट करके हम इन हो जाएंगे और फिर लोगों को दिलासा देंगे। 20 पार्टियां, इसमें ममता जी की पार्टी है, डीएमके है, सभी पार्टियों ने मिलकर, हालांकि महाराष्ट्र में एमएनएस हमारे साथ में आई है, तो ये सब पार्टियां मिलकर हम कर रहे हैं। उधर सोलन में कांग्रेस का देशव्यापी बंद बेअसर दिखाई दिया। जिला सोलन में सभी दुकानें खुली थी, जिससे साफ प्रतीत हो रहा था कि कांग्रेस का भारत बंद बेअसर है। इस बीच जिला कांग्रेस ने सोलन में बढ़ती महंगाई पर केंद्र सरकार के विरोध में रैली निकाली। रैली लोक निर्माण विभाग से शुरू होते हुए बाईपास पर समाप्त हुई। इस बीच पुराने उपायुक्त कार्यालय में कुछ देर के लिए कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने धरना दिया। कांग्रेस के सोलन जिला अध्यक्ष राहुल ठाकुर ने बताया कि देशव्यापी भारत बंद के आह्वान पर सोलन में भाजपा की जनविरोधी नीतियों और बढ़ती महंगाई पर रैली निकाली। उन्होंने कहा कि चुनावों से पहले प्रधानमंत्री ने जो वादे किए थे वो सभी जुमले निकले और भाजपा का 4.5 वर्ष का कार्यकाल पूरी तरह से विफल रहा। आज जो हालत देश में है आप सभी उससे परिचित हैं। आम आदमी जो है आज महंगाई के कारण बुरी तरह ग्रस्त है। किसान आत्महत्या करने लगे हैं और ये आत्महत्याएं ज़्यादातर उन्हीं राज्यों में हो रही है जहां पर बीजेपी की सरकार है। तो मोदी जी को सबसे पहले तो इसी का जवाब देना पड़ेगा कि क्या कारण है कि ये जो किसान जो है आत्महत्या करने पर उन्हीं राज्यों में मजबूर है जहां पर बीजेपी की सरकार है। दूसरा, महिलाएं आज हम देखें आप रोज उनके साथ जो है बलात्कार हो रहे हैं, बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं, उसमें भी अगर आप उनको ध्यान से देखें तो ज़्यादातर बलात्कार और अत्याचार जो है उन्हीं राज्यों में हो रहे हैं जहां पे बीजेपी भाजपा की सरकार है। जिस तरीके से मोदी सरकार पूरे तरीके से विफल रही है इस 5 साल के जो ख़त्म होने आ रहे हैं के 4.5 साल के सेशन काल में, अब लोगों का ध्यान बटाने के लिए फिर से वही लुभावने जो है वादे लेकर और भाई को भाई से लड़ाकर धर्म के आधार पर लोगों को आपस में लड़ा रहे हैं ताकि लोगों का ध्यान मुख्य मुद्दों से हटकर इनकी तरफ जाए। उधर जिला सिरमौर के नाहन में कांग्रेस ने जमकर प्रदर्शन किया। सिरमौर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय सोलंकी की अध्यक्षता में आयोजित इस प्रदर्शन में जिला भर से कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने बड़ी संख्या में हिस्सा लिया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन के दौरान दिल्ली गेट के समीप करीब 20 मिनट तक सड़क को जाम किया। सिरमौर के कांग्रेस जिला अध्यक्ष अजय सोलंकी ने कहा कि पेट्रोल डीजल की कीमतों में लगातार भारी बढ़ोतरी हो रही है और रसोई गैस भी अब आम आदमी की पहुंच से बाहर होती जा रही है, जिससे आम आदमी का जीना मुश्किल हो गया है। इस दौरान कांग्रेस ने राफेल डील मामले को लेकर भी केंद्र सरकार को आड़े हाथ लिया। कांग्रेस का आरोप है कि चुनावी समय में भाजपा ने जो भी वायदे लोगों से किए थे वो सब झूठ साबित हुए। राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के आह्वान पे भारत बंद का आह्वान किया गया था। आज देश में जो बढ़ती हुई महंगाई है, भ्रष्टाचार है, कानून व्यवस्था बिगड़ी हुई है, उसके विरोध में कांग्रेस पार्टी आज मैदान में है। आज लोगों को जागरूक कर रही है कि देश की जो जनता ने
जिस सरकार को झूठे वायदे दिखा के जो सरकार सत्ता में आई, आज पिछले 4.5 वर्षों में क्या उपलब्धि इस सरकार की रही है, क्या महंगाई कम हुई है, चाहे भ्रष्टाचार कम हुआ है, नोटबंदी से रोजगार खत्म हुए, जो युवाओं हैं, पढ़े लिखे युवा हैं, आज दर दर की ठोकरे खा रहे हैं। जो रोजगार पहले भी था उद्योगों में, चाहे सरकारी क्षेत्र में, वो रोजगार भी आज बंद हो गया है। आज महंगाई इतनी चरम सीमा पर है, आम आदमी का जीना दुश्वार हो चुका है। आम आदमी आज परेशान होकर सड़कों पर निकला है और नरेंद्र मोदी को यह जवाब देना पड़ेगा। राफेल जैसा सौदा जिसमें बहुत बड़ा घोटाला हुआ है, आज उसकी सच्चाई देश के सामने लानी पड़ेगी। इतना बड़ा जो 526 करोड़ का डील वो 1670 करोड़ में की जा रही है, क्या सच्चाई है राफेल डील की, ये जनता के सामने केंद्र सरकार लाए। आज भाजपा के लोग जब विकास की बात बोलते हैं, जब मुद्दे की बात की जाती है, तब वो धर्म के नाम पर और जाति के नाम पर लड़वाने की बात किया। कुल्लू जिला में भी भारत बंद का मिला जुला असर दिखाई दिया, जिसमें सुबह के समय बाजार में दुकानें खुली रही तो दोपहर बाद कांग्रेस की अपील के बाद व्यापारियों ने सहयोग दिया और दुकानें बंद रखी। कुल्लू जिला मुख्यालय में कांग्रेस भारत बंद को सफल बनाने के लिए रोष रैली भी निकाली। कुल्लू के विधायक सुंदर सिंह ठाकुर ने कहा कि पेट्रोल और डीजल की कीमतें आसमान छू रही हैं। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव से पहले मोदी जनता का ध्यान भटकाने का काम कर रहे हैं और अपने दोस्त अंबानी और अदानी को लाभ देने के लिए 30,000 करोड़ का घोटाला किया है। बढ़ती पेट्रोल डीजल की कीमतें और बढ़ती गैस की कीमतें, महंगाई, बढ़ती महंगाई, राफेल सौदे में जो दलाली, आज के दिन में आज़ादी के बाद का सबसे बड़ा घोटाला कोई निकलेगा तो ये राफेल का सौदा होगा। जो एक फाइटर जेट यूपीए सरकार में 500 करोड़ में खरीदना था, वो भारतीय जनता पार्टी ने रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के लिए वो एक ऑर्डर दिया है 1600 करोड़ में, एक बहुत बड़ा स्कैम है। मोदी जनता का ध्यान बांटना चाहते हैं, ठीक इलेक्शन से पहले अपने अंबानी अदानी दोस्तों का जो उनका प्यार जग जाहिर है और उसी के तहत उन्होंने उनको फ़ायदा पहुंचाने के लिए एक लगभग 30,000 करोड़ की एक स्कैम हुआ है, उसको ऊपर हमने आज जो कुल्लू में, मुझे बाकी जगह का भी मुझे मालूम नहीं है, 100% बंद रहा आज। और अच्छे दिन की बात करते थे, आज नोटबंदी एक बहुत भद्दा मजाक बनकर इस पर लोकतंत्र के ऊपर आया है। जो कहते थे मोदी की लगभग 3 लाख करोड़ रुपया जो सिस्टम में आ जाएगा, आज 99.3% महज जो 32,000 करोड़ जो पैसा नहीं आया, बाकी सारा सिस्टम में आ गया और उसके लिए इतनी लोगों को जाने गई, इतने लोग कई दिनों से जो है 40 दिन तक ये देश जूझता रहा, हमारी नौजवानों की नौकरियां गई, लोगों को छटनी करनी पड़ी कंपनीज़ में। एक बहुत बड़ा जो मोदी ने मजाक एक जुमला दिया था अच्छे दिन, आज वो मजाक बनकर रह गया। हम तो कहते हैं मोदी छोड़ो तुम्हारे अच्छे दिन, हमको लौटा दो वही बुरे दिन, जबकि कम से कम तेल की कीमत 56 रुपये थी और कम से कम गैस की कीमत 350 रुपये थी, हम उसी वही दिन चाहते हैं आज मोदी ने। महंगाई को लेकर मनाली ब्लॉक कांग्रेस भी उग्र हो गई। केंद्र के खिलाफ मनाली कांग्रेस सोमवार को सड़कों पर उतर आई। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और माल रोड में रैली निकाली। कांग्रेस के पदाधिकारियों ने लोगों को भाजपा की जन विरोधी नीतियों से अवगत करवाया और महंगाई पर केंद्र सरकार को घेरा। कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष व प्रदेश प्रवक्ता भुवनेश्वर गौड़ ने इस रैली की अध्यक्षता की। उन्होंने कहा कि देश और प्रदेश की जनता महंगाई से तंग आ गई है और अब वो इसका जवाब मोदी सरकार को आगामी लोकसभा चुनाव में देगी। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने माल रोड सहित समस्त बाजार में रैली निकाली और केंद्र सरकार के प्रति रोष प्रकट किया। बढ़ती महंगाई और भ्रष्टाचार की बातें होती है, उसके लिए आज हम सभी यहाँ एकत्रित हैं। ये बात किसी से छुपी नहीं है कि पिछले कुछ अरसे से पेट्रोल और डीजल की जो दाम है उनमें रोज़ बढ़ोतरी हो रही है। जो पेट्रोल डीजल जीएसटी के उसमें आना चाहिए था वो नहीं लाया गया है, कुछ सरमाएदार लोगों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए पेट्रोल और डीजल की कीमतें आसमान को छू रही हैं। हम
कांग्रेस जन ही नहीं इस देश की जनता चाहती है कि पेट्रोल और डीजल की कीमतें कम की जाएं। आज देश की जब हम बात करें तो जो रफेल डील अभी हुई है उसके बारे में भी आपको बता दें, ये डील कांग्रेस के समय में भी हुई थी और उस समय जो एक विमान की कीमत थी वो तकरीबन 550 करोड़ के आसपास थी, जो आज के समय में 1600 करोड़ के आसपास इन्होंने एक विमान की कीमत की है। पूरा देश ये जानना चाहता है कि इतने कम समय में इतनी दामों में बढ़ोतरी कैसे हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल।